यस प्रणाम है आप सभी को, बच्चों को। पिछली वीडियो में मैं बताया था, मैं डॉक्टर प्रशांत डियर एंड फोर्थ सेम के बच्चों की हिंदी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि दूसरी भाषाओं का ज्ञान और भाषा विज्ञान क्या चीज है। और ये आपके पांचवें ही पार्ट से लिया गया है। तो ये आपका क्या है, ये है कि जब हम दूसरी भाषा के ज्ञान से को जब हम पाना चाहते हैं तो हमको भाषा के विज्ञान से बहुत ज्यादा हमको सहायता प्राप्त होती है। और भाषाई अध्यापन में बहुत से जो विद्वान हैं, जो लोग हैं, वह बिल्कुल फ्री होकर के काम आपका कर रहे हैं। और इनमें से आपके हनली वेस्ट, रीज आपके लैडो और बहुत सारे विद्वानों ने भाषा का ज्ञान कैसे दिया जाए, ये सवाली विधियों पर बहुत सारा ध्यान दिया है और काम भी किया है। परंतु भाषा का जो विज्ञान है, भाषा का विज्ञान केवल भाषाई ज्ञान को ही नहीं बल्कि भाषा के संपूर्ण स्वरूप को भी एक मान्यता प्राप्त मान्यता सौंपता है। और दूसरी बात क्या है कि भाषा के विज्ञान में चाहे वह आपका कोई भी पंथ रहा हो, संप्रदाय रहा हो, विश्वविद्यालय रहा हो, कोई भी चीज़ रही हो, लेकिन कभी भी ये वाला जो था विषय, इसमें कभी संप्रदाय नाम की कोई चीज़ जाहिर नहीं की गई। अच्छा, और दूसरी बात जो है कि भाषा विज्ञान का जो विश्लेषण जो है वह वैज्ञानिक ढंग से ही किया जाता है। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि देखिए साइंस में क्या है, साइंस में मानी हुई चीज नहीं मानी जाती। साइंस क्या करता है, साइंस प्रैक्टिकल पर आपका प्रयोगात्मकता पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो क्या कहता है कि भाषा का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होता है और दूसरी भाषा के ज्ञान में भाषा विज्ञान में कई क्रांतिकारी, मतलब जो कि भाषा में बहुत सारे परिवर्तन दे सकते थे, वैसे भी कई सारे कानून और नियम दिए गए। किंतु बहुत सी परंपराओं की अगर हम बात करें तो बहुत सारी परंपराओं को जो मानने वाले जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वह भाषा विज्ञान को इतना अधिक सम्मान नहीं दे पाते हैं। और ये दोनों ही बातें जो हैं भाषा के ज्ञान के लिए, भाषाई अध्यापन के लिए, ये दोनों ही जो दृष्टिकोण हैं वह बेहतर नहीं है। तो बात क्या है कि भाषा विज्ञान के सार को या भाषा विज्ञान के सार से भाषा अध्यापकों को अवश्य ही लाभ लेना चाहिए, या मतलब जितने भाषा विज्ञान के अध्यापक हों वह क्या करें कि भाषा के सार का जो है लाभ लें, स्वयं लाभ उठाएं और बालकों को भी इसका लाभ दें। अच्छा, साउंड साइंस जो है, साउंड साइंस आवाज़ का जो विज्ञान है वह हमको दूसरी भाषा के जितने भी आपकी होती है साउंड आपके होते हैं, वह सभी साउंड की पूरी प्रोग्रामिंग से आपको परिचित करवाते हैं। और दूसरी भाषा में कौन कौन सी विशिष्ट प्रकार की आवाज़ें हैं वह, और वह जो ध्वनि विज्ञान जो है, ध्वनि का जो व्यवस्था जो है, और सूची में लंबाई दर बाई दर, स्टेप बाई स्टेप वह कैसे कार्य
कार्य करते हैं, ये सभी बातों से परिचित होकर ही प्राध्यापक छात्रों को विशिष्ट साउंड के बारे में, ध्वनियों के बारे में, उच्चारण का जो अभ्यास जो होता है आपका, प्रैक्टिस आपकी जो होती है उच्चारण की, वह आपकी प्राध्यापकों द्वारा हो सकती है या करवाई जा सकती है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो आपकी भाषा गाती तमिल, वहाँ पर आपके चा का टा और ता वर्ग जैसे साउंड की जो ध्वनियाँ हैं वह तमिल भाषा में नहीं है। वहाँ पर आपके वहाँ पर क्या है, तमिल में आपके जैसे आपका ये लक्ष्मण है ना, तो वहां पर ये नहीं जाए, वहां पर केवल आग ही है ध्वनि, तो वो लक्ष्मण इसको कहते हैं। और दूसरे और वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगला में सा शाह और सा में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, और दक्षिणी भाषा सामा ऋण को क्या बोल, तो आपके ऋण कहते हैं ऋण। अच्छा, तेलुगु भाषी जो छात्र होते हैं वो पेड़ को पेड़, बैन बैंधन को बंधन, वीत को वीद, और साहित्य को साहित्य, और मत्सर को मच्छर क्यों कहते हैं, है ना। भाषा का जो साउंड है हमें उसमें ये चीज को मैं जाननी पड़ेगी कि जो तेलुगु भाषी जो छात्र हैं वह पेड़ को पेड़, बैंधन विधि साहित्य क्यों कहते हैं, और यह बात कौन बताएगा, यह बात बताने वाला कौन है, भाषा विज्ञान या फिर ध्वनि साइंस। अच्छा, दूसरी बोलियां जो है अभी नागा की, अगर हम बात करें नागा बोलियों की बात करें तो वहां पर आना को आना और खाली को, क्योंकि वहां पर जो आज जो शब्द है वह उसमें नहीं है, तो वह आना कहेंगे, मजाक को मजका कहेंगे, है ना, और संकेत को संकेत कहेंगे, संगीत को भी संकेत कहेंगे, है ना, चीज को आपके चीज कहेंगे, फूल को फूल को बोलेंगे फूल पुल, और शाबाश को आपके सयास कहेंगे, और बाजी को कहेंगे बाजी के ही प्रकार में वो उसको कहते हैं। और यह सब कुछ जानकारी हमको ध्वनि विज्ञान से ही प्राप्त होती है कि कौन किस भाषा में कैसे कैसे वर्णों को बोल रहा है। अच्छा, हिंदी मलयालम और आपके तमिल के जितने आपके स्वर हैं वो के बीच में व्यंजनों के उच्चारण को देखने पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी में का टा ता और पा का उच्चारण एक ही तरह पर है, परंतु मलयालम भाषा में स्वर मध्य स्थान पर इनका उच्चारण हिंदी के र ड द और बा से अत्यधिक मिलता है। वस्तुतः क्या है, तो वस्तुतः है कि का ता पा का उच्चारण तनिक अर्थ युक्त और सघोष होता है, मतलब घोष के साथ हम उनको व्याख्यान्वित करते हैं। अच्छा, और इंटरनेशनल साउंड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आपके इंटरनेशनल साउंड की बात करें तो मैं आपको यही बैठे बैठे ही आपको मैं बता देता हूं कि क्या टी एंड आपका बी
चौक आ गया भाई से हम उनकी जानकारियों को सुनते हैं या हम या फिर हम वही जानकारियों को इन बालकों को देते हैं या हमको साइंस साउंड साइंस जानने वालों को भी वह ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, और यह सब जो बातें हैं वह हमको एक टेबल के द्वारा, एक सारणी के द्वारा जो निम्न लिखित गा दा बा में लिखा जाता है का उच्चारण अत्यधिक संकुल है, अतः उसका यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा विवेचन ये नहीं आपकी पुस्तक में किए हैं, क्योंकि वह अगर आपको पीएचडी करनी हो भाषा विज्ञान में या बहुत अत्यधिक काम करना हो तो वह आपको समय सारणी और जो उसकी जो सूची और उसको वह आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये केवल थोड़े बहुत आपको शब्द बताए हैं और वो जो आपके ये जो शब्द बताए हैं उन शब्दों को जान करके हम स्वर विज्ञान को, ध्वनि विज्ञान को जांच सकते हैं या उनको परख सकते हैं। अच्छा, तो वो क्या है आपकी? यहाँ पर हम बनाते हैं आपकी सारणी। सबसे पहले हिंदी को लेंगे, फिर मेरा माप की, मलयालम लेंगे और मलयालम के बाद हम आपकी किसी भी भाषा लेंगे, तमिल आपकी। हाँ, अच्छा, इनके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इस भाषा में लेखन और उच्चारण क्या है, यहाँ भी लेखन और उच्चारण क्या है और यहाँ भी लेखन और उच्चारण क्या है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट भाषा है हिंदी, सेकेंड भाषा है मलयालम और तीसरी भाषा आपकी तमिल। अच्छा, यहां पर जो उन्होंने शब्द दिया है वह ता, टा, ना और पा। है ना, कौन कौन से नाम लिए आपके वर्ग, नाम लिए अवर्ग कवर्ग पवर्ग, है ना, तो क ट न प। अच्छा, अब आपका यहां पर हम क्या देखते हैं, लेखन के तौर पर आपका शब्द है मकर। क्या है आपका शब्द? मकर। और मकर को अगर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, मकर, क्योंकि हिंदी में, हाँ बस इसमें ये एक वो विराम चिन्ह मतलब हलन नहीं लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा लेंगे शब्द बेटे आपका, यहाँ भी बेटे आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका है ना, यहाँ पर जात और जात। यहाँ पर आपत्ति, आपत्ति, तीन उन्होंने शब्द दिए मकर, अटे, जात और आपत्ति। और हिंदी में उच्चारण में भी हम इनको वही बोलेंगे, मकर, कट, जात और आपत्ति, क्योंकि हिंदी भाषा में जैसा लिखा जाता है वैसा ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मलयालम की,
हम जब उसको लिखेंगे तो क्या आएगा? अगर अटे जात आपत्ति, मगर कटे जात आपत्ति। अगर हम वहां पर मलयालम में ये चीज को हम अपनी कॉपी पेन से उसको कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको लेखन के बाद लिपिबद्ध करने के बाद जब हम उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मकर को अगरम, मगरम अटे को अटे दा है, ये दा है ना, अटे जाति को जाते जाते है ना, और इसलिए के आपको आप बच्चो, और ये मलयालम में आपत्ति को बोलते हैं आपसु आपसु है ना। तो हमने वहां पर पुस्तकों में जो है बना हुआ है वह है मकर कट जात आपसु, लेकिन अगर मलयालम में हम उसको बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? मगरम अटे जात जात आप बत्तो, ठीक है। और तमिल की बात करें तो तमिल में इसको बोले क्या? अकरम है ना, ये पुस्तक में लिखा जाता है अटे जात और आपस आपत्तो, लेकिन उच्चारण जब हम इसका रहेंगे तो हमें तो क्या कहेंगे? मगरम आज ही जगह पाएगा गा, मगरम अरे जा भी आप पाएगा डा, और एड के बाद आपका आएगा जादे जादे, क्योंकि वहां पर जो तत्ता जो है वह बोलने में नहीं आता है। और आप को आबद्ध आबद्ध है ना। तो वहां पर क्या है, हमने इन तीनों भाषाओं पर विश्लेषण किया तो हमने देखा कि वहां पर हिंदी में जो हम कॉपी पर जो कह रहे हैं जो हम कॉपी पर जो चीज कह रहे हैं, पुस्तक में जो चीज हम देख रहे हैं वह पढ़ने में और है और बोलने में और है। तो ये जो संपूर्ण उच्चारण पद्धति में पूर्णतः सभी जो बालक तमिल और मलयालम में हैं वह क्या करेंगे, वह जब आपके स्वर के बीच में आने वाले इन ग ड ग ब का जब वो इनको बोलेंगे तो ध्वनियों के जो पदों के आरंभ के क ट त प से अभिन्न माना जाएगा या वो इनको अभिन्न मानेंगे, और बोध पूर्वक प्रयत्न के बिना इनको स्टेप बाय स्टेप रूप में उच्चारण करना होगा। और जब वह हिंदी के जो वो जो शब्द हैं उनको बोलेंगे तो उनको वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसे हिंदी में बोला जाता है, और तब चेतन आपका जो है रूप है वह आपका जो रूप में यही वाली ध्वनि पद्धति का प्रभाव दिखाई आपको देगा। और कट तापा जो वर्ण है वह सूचीवार तरीके से ग ड ध ब
हो जाते हैं, क्योंकि वहां का उच्चारण में का टा ता पा वर्ण ही नहीं है, केवल ग ढ द बा ही वर्ण है। तो जब वह बोलते हैं तब तो क्या होगा कि ऐसे तमिल और मलयालम नाटक नर जैसे बालकों के लिए, तभी हम जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आएंगे तब हम इन सभी बातों को ठीक कर पाएंगे, है ना। ये वाला आपका टॉपिक काफी विस्तृत है और मैं ये चाहता हूं कि ये वाले टॉपिक को आपको मैं दो बार में बताऊं, है ना। तो भाषा विज्ञान का अंतिम मतलब के बाद वाला जो पॉइंट क्या होगा वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आज आप इसको यहाँ तक ही इसको आप देखें और इसको आप पढ़ें, समझें और जानें, है ना। और जो भी HOD साहब ने जो आपको काम दिया है वह कार्य को भी ढंग से आप लोग देखते रहें और प्रोजेक्ट असाइनमेंट पर अपना पूरा ध्यान दें। मैं डॉक्टर प्रशांत यहीं तक आज आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारणी वगैरह का जो ध्वनि विज्ञान का जो महत्व है, जो महत्व है, वह आप लोग लिखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे बात की बात हूँ आगे की बात है। अब तक अपना जो घर है वहाँ पे सेफ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों, और कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। Thank you.